दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा यूनिवर्स है इसके बाहर आखिर है क्या? तो आज के एपिसोड में हम इसी चीज के बारे में पता लगाएंगे कि आखिर यूनिवर्स के बाहर है क्या। तो दोस्तों, मैं हूं विनय और स्वागत है आपका एक और रहस्यमय वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड का परिचय। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड वह हिस्सा है जिसे हम अपने उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की मदद से देख सकते हैं और माप सकते हैं। इसका विस्तार लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष व्यास में फैला हुआ है, जो अकल्पनीय रूप से विशाल है। यह विशालता हमारे ग्रह पृथ्वी से शुरू होकर अनगिनत तारे, ग्रह, गैलेक्सियों और अन्य खगोलीय पिंडों को समाहित करती है। लेकिन वास्तव में प्रेक्षणीय ब्रह्मांड क्या है और इसकी सीमाएं क्या है? हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। बिग बैंग नामक एक महाविस्फोट से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इस घटना ने समय, स्थान और पदार्थ का सृजन किया। तब से ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। इस विस्तार की दर को हबल कांस्टेंट के माध्यम से मापा जाता है और यह माप हमें बताता है कि ब्रह्मांड किस गति से फैल रहा है। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड की परिभाषा इस बात पर आधारित है कि हम अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकते हैं। क्योंकि प्रकाश की गति सीमित है, हम केवल उन्हीं वस्तुओं का प्रकाश देख सकते हैं जो हमारे पास उनके प्रकाश के उत्सर्जन के समय से अब तक पहुंच चुका है। उदाहरण के लिए, यदि किसी तारे का प्रकाश हम तक पहुंचने में 1 अरब वर्ष लगते हैं, तो हम उस तारे को 1 अरब वर्ष पहले की स्थिति में देख रहे हैं। इसी तरह प्रेक्षणीय ब्रह्मांड की सीमा उन वस्तुओं द्वारा निर्धारित होती है जिनका प्रकाश हम तक ब्रह्मांड के निर्माण के समय से अब तक पहुंचा है। इस विशाल क्षेत्र में हमें आकाशगंगाओं के समूह और सुपरक्लस्टर देखने को मिलते हैं। इनमें से प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं, जिनमें से कुछ के पास अपने ग्रह प्रणाली हो सकती है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी इसी प्रकार की एक आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। जब हम आकाश में देखते हैं तो हम जो तारे देखते हैं वे सभी हमारी आकाशगंगा के भीतर हैं। और टेलीस्कोप की मदद से हम अन्य आकाशगंगाओं को भी देख सकते हैं जो हमसे लाखों या अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार की दूरबीनों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप हमें दृश्य प्रकाश में आकाश का निरीक्षण करने की अनुमति देते हैं, जबकि रेडियो टेलीस्कोप और एक्सरे टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के अन्य प्रकार के विकिरणों का अध्ययन करने में मदद करते हैं। ये उपकरण हमें न केवल दूर की आकाशगंगाओं को देखने में सक्षम बनाते हैं, बल्कि हमें ये भी समझने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हो रहा है और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड की सीमा। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड की सीमा को समझना खगोल विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल पहलुओं में से एक है। ये सीमा वह अधिकतम दूरी है जहाँ तक हम वर्तमान तकनीक और उपकरणों की मदद से देख सकते हैं और माप सकते हैं। इसका विस्तार लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में है, जो इसकी विशालता को दर्शाता है। ये सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है और प्रकाश की गति कितनी तेज है। ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। यह आयु बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है, जो बताता है कि ब्रह्मांड का जन्म एक विशाल महाविस्फोट से हुआ था। इसके बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। प्रकाश की गति सीमित है और ये लगभग 2,99,792 मीटर प्रति सेकंड है। इस गति पर विचार करते हुए हम केवल उन वस्तुओं को देख सकते हैं जिनका प्रकाश हमारे पास उनके उत्सर्जन के समय से अब तक पहुंच चुका है। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड की सीमा की गणना करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि ब्रह्मांड के विस्तार के कारण दूर स्थित वस्तुएं भी हमसे दूर हो रही हैं। इस विस्तार को हबल कांस्टेंट के माध्यम से मापा जाता है, जो दर्शाता है कि ब्रह्मांड किस दर से फैल रहा है। इस विस्तार की वजह से वस्तुएं हमसे तेजी से दूर जा रही हैं और इस कारण से उनका प्रकाश हम तक पहुंचने में अधिक समय लग सकता है। हम जो भी देख सकते हैं वो सब हमारे प्रेक्षणीय ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसके भीतर अनगिनत आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड मौजूद हैं। लेकिन इसके परे क्या है? यह एक रहस्यमय और गहन प्रश्न है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके परे भी ब्रह्मांड का विस्तार हो सकता है, जिसे हम वर्तमान तकनीक से नहीं देख सकते। ये संभव है कि हमारे प्रेक्षणीय ब्रह्मांड की सीमा के बाहर अन्य आकाशगंगाएं और तारामंडल मौजूद हों, लेकिन वे हमसे इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो आखिर ब्रह्मांड के बाहर क्या हो सकता है? इस चीज को लेकर 3 सिद्धांत सामने आए हैं। पहला सिद्धांत, अन्य ब्रह्मांड। अन्य ब्रह्मांडों के अस्तित्व का विचार खगोल विज्ञान और भौतिकी में अत्यंत रोचक और विचारोत्तेजक है। इस सिद्धांत को आमतौर पर मल्टीवर्स कहा जाता है, जो मल्टी और वर्स शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अनेक ब्रह्मांड। मल्टीवर्स सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, इसके बाहर भी अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं,
जिनका अपना अलग अलग भौतिकी के नियम, संरचना और विशेषताएं हो सकती हैं। मल्टीवर्स के विचार को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके नियम क्या हैं। हमारे ब्रह्मांड का गठन बिग बैंग से हुआ था और तब से ये लगातार फैल रहा है। इस विस्तार के दौरान समय और स्थान का निर्माण हुआ और भौतिकी के नियम स्थापित हुए, परंतु मल्टीवर्स सिद्धांत ये प्रस्तावित करता है कि बिग बैंग जैसी घटनाएं अनगिनत बार हो सकती हैं, जिससे हर बार एक नया ब्रह्मांड बनता है। मल्टीवर्स सिद्धांत अत्यंत जटिल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इन ब्रह्मांडों का प्रत्यक्ष अवलोकन या मापन वर्तमान तकनीक और ज्ञान के साथ संभव नहीं है। इसलिए इन सिद्धांतों की पुष्टि करने के लिए हमें अधिक उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होगी। फिर भी यह विचार कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड की वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को व्यापक और गहन बनाता है। दूसरा सिद्धांत, असीम ब्रह्मांड। असीम ब्रह्मांड का विचार खगोल विज्ञान और दर्शन में गहन और जटिल है। यह अवधारणा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा ब्रह्मांड न केवल विशाल है बल्कि अंतहीन भी हो सकता है। असीम ब्रह्मांड का अर्थ है कि यह किसी भी सीमा के बिना अनंत रूप से फैला हुआ है। इस विचार के अनुसार यदि हम किसी भी दिशा में यात्रा करना जारी रखें तो हम कभी भी ब्रह्मांड के किनारे या अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस विचार को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ब्रह्मांड कैसे फैला हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद से ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। यह विस्तार तीन आयामी स्थान में हो रहा है, जिसमें समय एक चौथी आयाम के रूप में जुड़ा हुआ है। असीम ब्रह्मांड के सिद्धांत का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह विस्तार अनंत रूप से जारी है और ब्रह्मांड की कोई भौतिक सीमा नहीं है। इसका मतलब है कि भले ही हम ब्रह्मांड के किसी भी बिंदु पर हों, हमारे चारों ओर का विस्तार अनंत है। यह अवधारणा हमारे समझने की सीमा को चुनौती देती है, क्योंकि हम आमतौर पर हर चीज को एक सीमित आकार और सीमा के संदर्भ में देखते हैं। असीम ब्रह्मांड का विचार वैज्ञानिकों के लिए न केवल एक सैद्धांतिक चुनौती है, बल्कि यह उनके लिए गहन अनुसंधान और अध्ययन का क्षेत्र भी है। वर्तमान खगोलीय प्रेक्षणों और मापों से हमें ब्रह्मांड की संरचना और उसके विस्तार की दर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये जानकारी हमें ये समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड अनंत है या नहीं। तीसरा सिद्धांत, क्वांटम फोम। क्वांटम फोम, जिसे कभी कभी स्पेस टाइम फोम भी कहा जाता है, क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के बीच के क्षेत्र में आने वाली एक जटिल और रहस्यमय अवधारणा है। इसे पहली बार अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने 1955 में प्रस्तावित किया था। क्वांटम फोम वह सिद्धांत है जो ये दर्शाता है कि अत्यंत छोटे पैमाने पर ब्रह्मांड की संरचना अराजक और अस्थिर होती है, जहां समय और स्थान स्पेस टाइम निरंतर उतार चढ़ाव में रहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म स्तर पर कण और तरंगों के व्यवहार को निश्चित रूप से मापा नहीं जा सकता। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत इस तथ्य को स्थापित करता है कि हम एक कण की स्थिति और वेग दोनों को सटीक रूप से नहीं जान सकते। इसी प्रकार जब हम अत्यंत छोटे पैमाने पर स्पेस टाइम को देखते हैं तो ये शांत और स्थिर नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के उतार चढ़ाव और क्वांटम कणों की उत्पत्ति और विलय का एक सक्रिय क्षेत्र होता है। क्वांटम फोम के तहत स्पेस टाइम का यह अत्यधिक सूक्ष्म स्तर एक फोम की तरह होता है, जिसमें छोटे छोटे बुलबुले या ऊर्जावान अस्थिरताएं होती हैं। इन बुलबुलों में क्वांटम कणों की जोड़ी उत्पन्न होती है और तुरंत ही वे विलीन हो जाती हैं। ये प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि यह हमारे सामान्य अनुभव में नहीं आती। इसे वैक्यूम फ्लैक्चुएशंस भी कहा जाता है, जो शून्य बिंदु ऊर्जा के परिणाम स्वरूप होती है। क्वांटम फोम का महत्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना को समझने में है। बिग बैंग के समय जब ब्रह्मांड अत्यंत सूक्ष्म और उच्च ऊर्जा अवस्था में था, क्वांटम फोम की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ये भी संकेत देता है कि स्पेस टाइम की सूक्ष्म संरचना में क्वांटम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के एकीकरण की दिशा में एक कदम हो सकता है। क्वांटम फोम के अध्ययन में वर्तमान में कई चुनौतियां हैं, क्योंकि यह अत्यंत छोटे पैमाने पर होती घटनाओं से संबंधित है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापना या देखना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाले कण त्वरक और क्वांटम कंप्यूटर। इन प्रयोगों और अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के मूलभूत स्वभाव और इसके गठन के रहस्यों को समझने में सहायता मिल सकती है। वैज्ञानिक चुनौतियां और सिद्धांत। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अध्ययन में कई वैज्ञानिक चुनौतियां और सिद्धांत शामिल हैं। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड वह हिस्सा है जिसे हम अपने उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की मदद से देख सकते हैं और माप सकते हैं। इसका विस्तार लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में है, और इसमें अरबों आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह
और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। इस विशालता के बावजूद इसके अध्ययन में अनेक जटिलताएं और सिद्धांतों का सामना करना पड़ता है। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान की सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इसके भीतर छिपे रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक निरंतर नए अवलोकन, प्रयोग और सैद्धांतिक मॉडल विकसित कर रहे हैं। यह अध्ययन न केवल खगोल विज्ञान बल्कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने से हम न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझ सकेंगे बल्कि अपने अस्तित्व और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह को भी बेहतर समझ पाएंगे। निष्कर्ष: हमारा प्रेक्षणीय ब्रह्मांड जितना विशाल और रहस्यमय है, उससे भी अधिक रहस्य इसके परे छुपा हुआ हो सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी समझ और कल्पना से परे है। हालांकि वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज जारी है, ये स्पष्ट है कि ब्रह्मांड के बाहर का क्षेत्र हमें हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति के बारे में नई और रोमांचक जानकारियां प्रदान कर सकता है।